तो टॉपिक का नाम है सुपर पोजीशन प्रिंसिपल। देखो सुपर पोजीशन प्रिंसिपल वर्ड ना काफी बार यूज हुआ हुआ है प्लस वन के अंदर, वेव्स के अंदर भी सुपर पोजीशन प्रिंसिपल था, वेक्टर्स में सुपर पोजीशन प्रिंसिपल है, ये वेक्टर वाला सुपर पोजीशन प्रिंसिपल है। बहुत सिंपल है, बस ध्यान से देखना, अगर आपने इस चीज़ को कैच कर लिया तो अगले 10 दिन यही करने वाले हैं, जो बस दो तीन न्यूमेरिकल में करने वाले हैं। ध्यान से ये तीन चार न्यूमेरिकल्स को आपने देखना है, बस फिर एकदम स्मूथ फ्लो बनेगा पूरे चैप्टर का, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस ध्यान से देखना और नोट करना है, नोट करना, प्रैक्टिस बहुत सिंपल है। सपोज करो आपके पास एक पॉइंट चार्ज है 2 कूलम, एक पॉइंट चार्ज है 5 कूलम और एक पॉइंट चार्ज है 3 कूलम। ये डिस्टेंस 1 मीटर है, ये डिस्टेंस 1 मीटर है। क्वेश्चन है 5 कूलम चार्ज, कोई भी कुछ भी पूछ सकता है वो, 5 कूलम चार्ज पे फाइंड नेट फोर्स ऑन 5 कूलम चार्ज, 5 कूलम चार्ज पे नेट फोर्स कितनी लगी, बस ये बता दो। अब मेरा एक क्वेश्चन है, 5 कूलम चार्ज को फोर्स कौन लगाएगा, वो क्या खुद को लगाएगा? नहीं, एक चार्ज खुद को फोर्स नहीं लगाता, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड क्यों? आर जीरो हो जाता है ना, मैं खुद पे फोर्स लगाऊंगा, आर जीरो हो गया, 1/4πε0Q1Q2/0² नॉट डिफाइंड। तो मतलब मैं खुद पे तो नहीं लगा सकता, पर मेरे पड़ोसी तो लगा सकते हैं मेरे पे। तो अगर ये 5 कूलम है, इसके पड़ोस में कौन कौन से चार्जेस हैं? 3 और 2। तो ये इसे क्या करेंगे, सब पॉजिटिव हैं, तो 5 कूलम को क्या करेंगे? रिपेल। तो 5 कूलम क्या करेगा? मूव करेगा। अब आपको कहोगे मूव करेगा, मैं जानबूझ के मूव बोल रहा हूं, क्योंकि एक्चुअल में चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। प्रैक्टिकली तो ये मूव करेगा, भागेगा, क्योंकि रिपल्शन है ना, एक बड़ी फोर्स है एक छोटी फोर्स है, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक में अजम्पशन है, दीज चार्जेस आर फिक्स्ड चार्जेस। ये प्रैक्टिकली तो मूव करते हैं, पर मैंने इनको बांध के रख रखा है, ये मूव नहीं करेंगे। तो प्लीज कोई मूवमेंट ना करवाए इनकी, बस ये बता दें कि फोर्स कितनी लगी, ठीक है? तो मतलब आपके तो आप असाइनमेंट करेंगे घर जाके, आपके ऐसे विचार आएंगे घर जाके, ऐसा नहीं है बहुत देर से पढ़ा रहा हूँ और मुझे पता है ऐसे अगले दिन आते हैं कि घर गया था मैं, सर आप मुझे सारा एक समझ में आया, फिर मैं घर जाके सोचा कि यार ये तो इधर, ये तो ये ज़्यादा बड़ी फोर्स है तो इधर मूव कर गया, जब इधर मूव कर गया तो इसका डिस्टेंस कम हो गया, इसका डिस्टेंस कम हो गया तो इसकी फोर्स वेरिएबल हो गई। भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक कोई मूव नहीं करेगा। अब 5 कूलम को कौन फोर्स लगाएगा? इसके आस पड़ोस के चार्जेस, एक 2 कूलम है और एक 3 कूलम है। अब फोर्स क्या है? फोर्स एक वेक्टर है, फोर्स एक वेक्टर है, और वेक्टर का काम तो देखो पैरेललोग्राम और वो उस टेक्निक से ही होना है, वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन। तो पहले वेक्टर्स ड्रॉ करते हैं। 2 कूलम 5 कूलम को क्या करेगा? अट्रैक्ट के रिपेल। तो ये बताओ कि 5 कूलम की के ऊपर जो फोर्स की डायरेक्शन लगेगी वो कहाँ लगेगी? राइट लगेगी कि लेफ्ट लगेगी? कितने लोग बोलते हैं राइट लगेगी, कितने बोलते हैं लेफ्ट लगेगी? देखो ये मैं 2 कूलम हूँ, ये 5 कूलम है, मैंने इसको रिपेल करना है, तो मैं क्या कहूँगा? मेरे पास आ जा, नहीं मेरी तरफ नहीं आएगा ना, तो मैं क्या कहूँगा? दूर जा। रिपल्शन मीन्स दूर जा, तो वेक्टर कहाँ लगेगा? राइट। तो ये इसे यहाँ रिपेल करेगा, तो वेक्टर समझ में आया? दूर भगाएगा। नेगेटिव होता तो पास खींचता, वेक्टर आपके पास आता, ये दूर जाएगा। इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होगी? 1/4πε0 2 × 5 × 1² फोर्स भी लिख दिया मैंने, मैग्नीट्यूड लिख दिया फोर्स का। तो ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा राइट की तरफ, क्योंकि रिपल्शन इधर को होगी इसकी। तो एक वेक्टर क्लियर है, वैल्यू भी क्लियर है। अब बारी है 3 कूलम की। जब मैं बोलूंगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जब मैं ये बोलूंगा न्यूमेरिकल में फाइंड नेट फोर्स ऑन 5 कूलम, तो सारे वेक्टर 5 कूलम पे ही बनेंगे, और जब मैं बोलूंगा फाइंड नेट फोर्स ऑन 3 कूलम, तो सारे वेक्टर 3 पे बनेंगे। तो जो नेट फोर्स जिस चार्ज पे बोली गई, वेक्टर कैलकुलेशन उस पे होना है। तो जैसे ये मान लो 3 हम चार चार्जेस हैं, और क्वेश्चन है कि मेरे ऊपर नेट फोर्स कितनी लगी, तो मैं देखूंगा आस पड़ोस के कितने चार्ज मेरे फोर्स लगाएंगे। इसमें ये नहीं आएगा कि ये आपस में कितनी फोर्स लगा रहे हैं, पूछा ही नहीं, फोर्स तो लगा रहे हैं। अब ऐसे तो 2 कूलम ने 3 कूलम को रिपेल भी करना है, मैं उसको कंसिडर नहीं करूंगा इसमें, मेरे से पूछा ही नहीं,
मेरे से पूछा कि 5 कूलम पे नेट फोर्स कितनी है, तो सारे वेक्टर 5 के ऊपर बनने हैं, ठीक। अब जैसे 3 कूलम ने 5 कूलम को क्या करना है, रिपेल। अब रिपल्शन कैसे होगी, ये लेफ्ट जाएगा कि राइट जाएगा, लेफ्ट जाएगा, क्यों, क्योंकि 3 कूलम इसको दूर भगाएगा कुछ ऐसे, लेफ्ट ऐसे जाएगा। ये स्टेप क्लियर देखना आ रहा है कि कैसे जाएगा, तो इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या होगी, 1/4πε₀ 5 × 3/1 का स्क्वायर। अब देखो दो फोर्सेस हो गई, और तो कोई पड़ोस का चार्ज नहीं रहा जो उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, सारे चार्जेस कंसिडर हो गए, दो वेक्टर बन गए इसमें। अब वेक्टर का क्वेश्चन बन गया, एक वेक्टर राइट है एक लेफ्ट है, तो नेट फोर्स क्या होगी, दोनों वेक्टर में से बड़े में से छोटे को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो नेट फोर्स विल बी इक्वल टू, ये फोर्स मुझे बड़ी लग रही है 15 है और ये 10 है, तो आंसर विल बी इक्वल टू 1/4πε₀ 5 × 3/1 का स्क्वायर माइनस 1/4πε₀ 2 × 5/1 का स्क्वायर। जो भी आंसर आएगा, नेट फोर्स राइट होगी कि लेफ्ट होगी, लेफ्ट, क्यों, क्योंकि ये वेक्टर बड़ा है और ये वेक्टर, तो लिख देना यहां पर टूवर्ड्स लेफ्ट, सॉल्व कर लेना 9 × 10⁻⁹ पुट के सॉल्व करके आंसर आएगा। मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है, ठीक है। मैं आपको 4-5 एग्जांपल करके दिखाऊंगा और अगला पूरा लेक्चर यही करके दिखाऊंगा, मतलब ये तो 4-5 है, अगला लेक्चर सिर्फ यही है और उसका अगला लेक्चर भी यही है, पूरा हफ्ता यही करना है और कुछ नहीं करना। तो अगर आपको कन्फ्यूजन भी होती है तो 40-50 न्यूमेरिकल में तो कन्फ्यूजन दूर हो ही जाएगी, इतनी बार प्रैक्टिस करेंगे वो ठीक ही हो जाएगी। तो क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है, चलो फिर से एक बार देखते हैं। जैसे सपोज करो मैंने इस बार क्या किया, मैंने कहा कि ये 2 कूलम है, ये 1 मीटर है, ये 5 कूलम है, ये 1 मीटर है और ये 3 कूलम है। फाइंड नेट फोर्स, इस बार मैं चेंज कर रहा हूँ ऑन 3 कूलम, मैं 3 कूलम पे फोर्स निकालना चाहता हूँ इस बार। तो अब अगर मैं 3 कूलम पे फोर्स निकालना चाहता हूँ तो बताओ वेक्टर किस पे ड्रॉ करूँ, सारे वेक्टर 3 कूलम, क्योंकि नेट फोर्स किस पे निकलेगी, 3 कूलम। आपको ऐसा तो नहीं फील आ रहा ग्रेविटेशन का चैप्टर चल रहा है, आप सही सोच रहे हैं, मासेस की जगह चार्जेस हैं। ग्रेविटेशन में आपने 4 चीजें पढ़ी थी, ग्रेविटेशनल फोर्स उसके न्यूमेरिकल, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी उसके न्यूमेरिकल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल उसके न्यूमेरिकल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उसके न्यूमेरिकल। इलेक्ट्रोस्टैट्स में 2 महीने पता है क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसके न्यूमेरिकल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी उसके न्यूमेरिकल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल उसके न्यूमेरिकल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के न्यूमेरिकल। तो ग्रेविटेशन आ गया तो ये आ गया, उल्टा भी बोल सकते हो, अगर ये आ गया ग्रेविटेशन को तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो फ्री में निकल जाएगा, सेम कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सेम, ठीक। तो बहुत लोग जब अभी नए भी आए, मैंने क्या पूछा, ग्रेविटेशन आता है SHM आता है, मुझे पता था अगर ग्रेविटेशन आता है तो यहाँ पर दिक्कत नहीं है, और नहीं आता तो मैं सोच लिया था कि इलेक्ट्रोस्टैट करने के बाद ग्रेविटेशन तो इसको ठीक हो जाएगा इसका, उल्टा भी तो ट्रू है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि ग्रेविटेशन नहीं आता नहीं आएगा, आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, ग्रेविटेशन भी ऐसे ही चलता है, बट पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब देखो उसने कहा नेट फोर्स 3 कूलम पे निकलेगी, अब मेरे को इससे मतलब नहीं है कि इसने इसको या इसने इसको क्या किया, अब मैं सारे वेक्टर कहाँ ड्रॉ करूंगा, 3 कूलम पे, तो 3 कूलम पर फोर्स लगाएगा कौन, एक लगाएगा 5 और एक लगाएगा 2, 5 और 2 लगाएंगे, चेक करते हैं, ये लो कैसे लगेगा, ये देखो 5 कूलम 3 कूलम को क्या करेगा, रिपेल, रिपल्शन कैसी होगी, राइट वेक्टर की लेफ्ट, मतलब 5 कूलम का आएगा मेरे पास आ तो रिपल्शन है नहीं दूर जा, तो वेक्टर कहां बनेगा, ऐसे बनेगा, कोई डाउट इसमें, क्या स्टेप क्लियर है, तो वेक्टर राइट की तरफ बन गया। मैग्नीट्यूड साथ साथ लिख लें, 1/4πε₀ 5 × 3/1 का स्क्वायर राइट, क्लियर हो गया। अब किसकी बारी है, 2 कूलम, यहां तो ठीक चल रहा है, घर जाके ऐसा हो जाता है कि लोग गलत मतलब वेक्टर लगाते हैं, वो कहते हैं 2 कूलम ने 5 कूलम को रिपेल किया, फिर 5 कूलम ने भी 2 कूलम को रिपेल किया, मुझे लेना ही नहीं है, किया बिल्कुल सही सोचते हो पर मुझे कंसिडर नहीं करना, मेरे से पूछा ही नहीं, 5 और 2 का क्वेश्चन है ही नहीं, क्वेश्चन है नेट फोर्स 3 पे बताओ। तो इन्होंने आपस में क्या खेला, मुझे नहीं पता इन्होंने क्या किया,
हाँ, 3 कूलम के साथ क्या किया, मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ। तो 2 कूलम ने 3 कूलम को क्या किया, रिपेल किया। तो वेक्टर कहाँ ड्रॉ करेंगे, राइट, दूर की तरफ। तो एक और वेक्टर यहाँ बनेगा, वैल्यू बोलो इसकी क्या होगी, 1/4 π ε₀ 2 × 3 / 2² राइट। कोई डाउट इसमें, स्टेप क्लियर है यहाँ तक, बन गए वेक्टर। कोई और वेक्टर रह गया, पड़ोस के चार्जेस के, दोनों वेक्टर बन गए। जितने पड़ोस के चार्जेस हैं उतने वेक्टर बनने हैं, वैसे बता दूं। अगर एक और चार्ज होता तो 3 वेक्टर बनते, अगर 2 हैं तो 2 वेक्टर, ठीक है। तो आपस में क्या करना है, मुझे लेना देना नहीं है, सब कुछ 3 पे। अब 2 वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं, तो ऑब्वियसली नेट फोर्स की जो वैल्यू आएगी, 1/4 π ε₀ कॉमन आ जाएगा, 2 × 3/2² प्लस 5 × 3/1² टूवर्ड्स कहाँ आएगा, राइट आएगा। इतने न्यूटन आंसर है, इसकी जगह तो पुट कर ही सकते हो 9 × 10⁻⁹ आंसर आए। मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है, कोई डाउट इसमें, ठीक। वेक्टर्स की डायग्राम समझ में आ रहे हैं, चलो फिर से एक बार देखते हैं। मैं आपको 2 क्वेश्चन और करवाऊंगा, फिर 2 क्वेश्चन आप करना, फिर हम अपनी शीट स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सपोज करो, मैंने जो ज़्यादा कन्फ्यूजन इसमें नहीं होती, ज़्यादा कन्फ्यूजन इसमें हो जाती है, ये -2 कूलम है, और देखो जरूरी तो ना कि पॉजिटिव होगा, कुछ नेगेटिव भी तो होगा। ये -2 कूलम है, ये -5 कूलम है, और ये 3 कूलम है, ठीक है। ये 1 मीटर है और ये 1 मीटर है। फाइंड नेट फोर्स ऑन 3 कूलम, ये क्वेश्चन है। 3 कूलम पे नेट फोर्स निकालनी है, क्या होगी, सारे वेक्टर कहाँ बनेंगे, 3 कूलम पे, ये तो बात पक्की है, 3 कूलम पे। शुरू करें, 3 कूलम पे फोर्स कौन लगाएगा, आस पड़ोस के चार्जेस कौन से हैं, -5 और -2। चलो एक एक करके करते हैं। सबसे पहले लेते हैं -5, -5 -3 को क्या करेगा, वेक्टर राइट की लेफ्ट अट्रैक्ट, तो यही हुआ ना, -5 3 को अपनी तरफ बुला रहा है, तो वेक्टर कहाँ ड्रॉ करेंगे, यहाँ करेंगे। कोई डाउट इसमें, ये समझ में आ रहा है, अट्रैक्शन ऐसी हुई, रिपल्शन दूर की तरफ है, अट्रैक्शन पास की तरफ है। मैग्नेट फोर्स बोलो, 1/4 π ε₀ बोलो कितना, 3 × -5 = 5, मैग्नीट्यूड लेना है, मॉड लगाया था, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। चाहे चार्जेस नेगेटिव हो, आपने कूलम फोर्स में नेगेटिव चार्ज को कंसीडर यहां पे नहीं करना। फिर आप हो गई, ये क्या बात बनी, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव कोई फर्क नहीं, फर्क है, नेगेटिव पॉजिटिव डायरेक्शंस को कैलकुलेट करने की हेल्प कर रहा है। नेगेटिव ने इसे अट्रैक्ट किया, तो मैंने नेगेटिव साइन का अफेक्ट वेक्टर ड्रॉ करने में ले लिया। न्यूमेरिकली आपने यहां पर माइनस नहीं पुट करना, मैग्नीट्यूड ही लेना है, इंपॉर्टेंट है, क्लियर है यहां तक। तो फोर्स के न्यूमेरिकल के अंदर फोर्स का मैग्नीट्यूड लेना है, उसमें माइनस साइन नहीं लेना। तो पहली फोर्स क्लियर है, टुवर्ड्स लेफ्ट। चलो दूसरी फोर्स देखें, दूसरी फोर्स इस पे कौन लगाएगा, दूसरी फोर्स इस पे -2 लगाएगा, -2 -5 पे लगाएगा, लूं कि ना लूं, नहीं मुझे क्या लेना देना, मेरे को नेट फोर्स किस पे है, 3 कूलम, तो मैं दूसरा वेक्टर भी किस पे ड्रॉ करूंगा, 3 कूलम पे। तो -2 इस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, फिर से मैग्नीट्यूड 1/4 π ε₀ 3 × 2, -2 नहीं, और टोटल डिस्टेंस कितना है, 2² तो नेट फोर्स की जो डायरेक्शन है क्या आएगी, टुवर्ड्स लेफ्ट आएगी, जिसकी वैल्यू क्या आएगी, 3 × 2/2² प्लस 5 3/1² न्यूटन आंसर है। पॉइंट समझ में आ रहा है, तो फील ऐसा आ रहा होगा कि ये चैप्टर वेक्टर पे ज्यादा चल रहा है, कूलम ने तो कुछ किया ही नहीं, वो तो फॉर्मूला देके साइड पे हो गया। तो निकालते रहो यहाँ वेक्टर्स, तो एक्चुअल में वेक्टर का ही गेम है, इसमें लगने ही वेक्टर है, लेफ्ट है राइट है कैसा है, बस यही देखना और कुछ ही देखना। जिसको डायग्राम क्लियर है, जिसका सब कुछ क्लियर है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको सॉल्व हो जाएगा। चलो क्वेश्चन आप करो, ट्राई करो, और मुझे चेक करवाना कि डायग्राम में आप कैसे इसको करते हैं, ठीक है। मुझे मेन वेक्टर देखने हैं आपके, और कुछ नहीं देखना। ये 2 कूलम है, ये -5 कूलम है, ये 3 कूलम है, ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है। नेट फोर्स ऑन
3 कूलम, ये क्वेश्चन है, 3 कूलम पे नेट फोर्स, डायग्राम चेक करवा देना बस, ये कैसे बनेगा, वेक्टर कैसे बनेगा, बस ये चेक करना है, लेफ्ट बनेगा राइट बनेगा कैसे बनेगा। तो इसमें माइनस इधर और प्लस इधर, ठीक है, दो वेक्टर कैसे बने, लेफ्ट राइट बनेंगे, दोनों लेफ्ट बने, कॉमन मिस्टेक है, मतलब आपकी गलती नहीं है, ये फ्लो में बन जाता है कि मैंने कहा 3 कूलम पे तो सारे वेक्टर 3 पे बनेंगे। आपका अगर मन भी करे ना कि मुझे लग रहा है एक वेक्टर यहाँ बनेगा, आप मत सुनना, 3 है तो बस 3 पे बनेंगे, कहीं और बनाना भी मत, गलत हो जाएगा क्वेश्चन, खुद की कन्फ्यूजन क्रिएट कर लोगे। 3 है तो -5 इस 3 को क्या करेगा, अट्रैक्ट, मैग्नीट्यूड 1/4πε03×5/1² क्या इस स्टेप क्लियर है, अट्रैक्शन तो उसके पास ही हुई। अब 2 कूलम इस 3 कूलम को क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल करेगा, तो क्या 1/4πε03×3×2/2² 2² कोई डाउट इसमें, ये सबने ड्रॉ किया। अब दो वेक्टर, एक राइट है एक लेफ्ट है, बड़े में छोटा माइनस कर दो तो नेट जो फोर्स होगी कौन बड़ा है इसमें, ये बड़ा है, ये 15 है और ये 6, ये बड़ा है, तो 1/4πε03×5/1² 3×2/2² towards left, ये लिख देना towards left सॉल्व करके। क्या ये स्टेप सबको समझ में आ रहा है कि कैसे आपने सोचना है, तो इसी की प्रैक्टिस आगे चलेगी। आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ, वहाँ से शुरू करो, फिर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस शुरू करते हैं शीट्स में से, ठीक, इसका आंसर बताना है क्या होगा। तो सपोज आपके पास ये 2 कूलम है, ये 2 कूलम है, ये 3 कूलम है, ये रहा, ठीक, ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, फाइंड नेट फोर्स ऑन 2 कूलम, 2 कूलम पे नेट फोर्स निकालनी है, ये क्वेश्चन है, 2 कूलम, 2, हाँ अच्छा, 2 2 कूलम, ओके ओके, चेंज कर देते हैं, ये 4 कूलम है,
सारे वेक्टर किस पे ड्रॉ करने हैं? ऑन टू कूलम, तीन दो को क्या करेगा? ऐसे ये रिपेल कर दिया। थोड़ा इधर ले आओ, काफी मैं दूसरे बैच में देख रहा था कई वेक्टर ने ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, इधर को बीच में लेंगे तो देखो प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा दूर ले आओ, क्या फर्क पड़ता है, दूर से दिख रहा है लेफ्ट है। और ऐसी फोर टू को क्या करेगा? ऐसे रिपेल, 90 डिग्री पे हो गए। तो इसमें थ्री टू को रिपेल कर रहा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स 1/4π ε₀ 3 इंटू 2/1 का स्क्वायर। और फोर टू को रिपेल कर रहा है, तो 1/4π ε₀ 4 × 2/1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कुछ ऐसे। तो नेट फोर्स की वैल्यू क्या आएगी? नेट फोर्स के लिए काम करना पड़ेगा आपको कि ये 90 डिग्री पे है ना, तो अपने को F1² + F2² करना पड़ेगा क्योंकि 90 डिग्री पे है। तो 1/4π ε₀ 4 × 2/1 का स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1/4π ε₀ 3 × 2/1 का स्क्वायर का, ऐसे बनेगा। तो नेट फोर्स ये ओ ए लिख लो, लिख देना एंड में अलोंग ओ ए, नहीं तो फिर टैन बीटा लगाना पड़ेगा। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर बहुत मुश्किल काम है, वो इतना बड़ा कौन लगाएगा, तो नाम दे दो ओ ए अलोंग ओ ए, बात खत्म। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि प्लस टू का कोई काम नहीं है इस लेक्चर में, सिर्फ वेक्टर का काम है। आपके सामने ही है, पहले दो चैप्टर सिर्फ वेक्टर बेस्ड हैं। इसमें प्लस टू में क्या सिखाया? कुछ भी नहीं, एक कूलम लॉ सिखाया और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ तक क्लियर है?